हल्द्वानी में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पुलिस फरियादी की फरियाद को हर हाल में सुनेगी और जनता को तुरंत न्याय मिले इसके लिए वे लगातार नए तरीकों को आजमा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा ऐप के साथ डायल 112 पुलिस सेवा को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के साथ EFIR सेवा को जल्द लागू कर रहे हैं, जिससे पीड़ित को कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तीन बड़े ग्रुप में बांट सकते हैं, ट्रैफिक, ड्रग्स और साइबर। तो इन सब के प्रति हम सजग हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे और इसको और बेहतर कर सकते हैं, लोगों के सहयोग से पुलिसिंग को कैसे अच्छा कर सकते हैं। हमारे एक तो आवास विकास में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है भैया, वो हो रही है नशे को लेकर के। बहुत छोटे छोटे बच्चे नशे को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब उसकी ओर प्रभावित हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कहाँ पे को हम लोग गलत है कि जो हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे, जो उस ओर जा रहा है।